कहते क्या है हम तुम्हारा? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। क्या आशिकी? सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, मैंने पास बता दो नहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हो। प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की क्या है खास बातें? भारतीय इतिहास की वो कौन कौन सी प्रसिद्ध प्रेम कहानियां रही हैं जो अमर हो गई और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। प्रभास की राधे श्याम आने वाली है जिसका हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मोशन पोस्टर है। प्यार की कहानियां दिख रही हैं, अलग अलग एरा की कहानियां दिख रही हैं जो दिल छूने वाली हैं। प्रभास की जो ये फिल्म है उसमें पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। पूजा हेगड़े का नाम इसमें प्रेरणा होने वाला है और प्रभास का नाम विक्रमादित्य। मतलब क्या होने वाली है फिल्म की कहानी, ये अभी से बहुत ज्यादा एक्साइट कर रही है सभी को। तो चलिए इसी में हम आपको सुनाने वाले हैं उन प्रेम कहानियों को जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और हर कोई चाहता है कि कपल हो तो ऐसा। पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन चौहान की प्रेम कहानी भी बेहद निराली है। पृथ्वीराज को अपने दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो गया। जब ये खबर जयचंद को लगी तो उन्होंने इतने गुस्से में संयुक्ता का स्वयंवर रचा दिया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए दरबार के बाहर एक पुतला बनवाया। इस स्वयंवर में कई राजकुमार आए, लेकिन संयोगिता को भी पृथ्वीराज पसंद थे और उन्होंने पुतले को ही माला चढ़ा दी। उसी पुतले के पीछे पृथ्वीराज छुपे हुए थे। भरे दरबार से सबके सामने वो संयोगिता को लेकर भाग गए और विवाह कर लिया। इसके बाद नंबर आता है बाज बहादुर और रूपमती की कहानी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने शिकार के दौरान रूपमती को देखा और उनको दिल दे बैठे। एक सुल्तान ने एक मामूली सी लड़की को देखा और किसी की परवाह किए बगैर उनको बेगम बना दिया। घर वालों ने भी गैर मुस्लिम रूपमती को नहीं स्वीकारा, लेकिन बाज बहादुर ने किसी की परवाह किए बगैर उनसे मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत को मंजिल तक भी ले गए। प्यार की दुनिया के परिंदों का तो इन्हीं का नाम लिया जाता है और अब इस कहानी में राधे श्याम का नाम भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लव स्टोरी इतनी खतरनाक होने वाली है, महाकाव्यात्मक होने वाली है और पूजा हेगड़े और प्रभास इसका चित्रण करने वाले हैं। आपको राधे श्याम में इन लव स्टोरी को देखने का कितना मन है, कितना वेट हो रहा है राधे श्याम का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे कहानियों के लिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।